नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है, लेकिन फिल्म को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। सवाल संजय की निजी जिंदगी को लेकर भी है। फैंस का सवाल ये है कि आखिर संजू में संजय दत्त की दोनों बीवियों का जिक्र क्यों नहीं किया गया, यहाँ तक कि उनकी बेटी त्रिशाला को भी पर्दे पर नहीं दिखाया गया। इस बारे में जब संजय दत्त से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये फैसला पूरी तरह फिल्म मेकर्स का था कि वो मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा पर्दे पर दिखाएंगे और कौन सा नहीं दिखाएंगे। ये फिल्म कैसी बनेगी इसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं थी। जो फिल्म मेकर्स को जरूरी लगा होगा वो फिल्म में रखा गया होगा, या फिर हो सकता है कि फिल्म की लंबाई को कम रखने के लिए किरदार संजू में ना रखे गए हों। साथ ही संजय दत्त ने ये भी बताया कि उन पर बायोपिक बनाने का आइडिया मान्यता दत्त का था। जब वो जेल में थे तो मान्यता ने ही डायरेक्टर से इस बाबत बात की थी। खैर, संजय ने अपनी तरफ से सफाई तो दे दी है, लेकिन कई राज से अभी भी पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि फिल्म से संजय दत्त की पर्सनल लाइफ को बिल्कुल दूर रखा गया है, जिसकी शिकायत काफी लोगों को है, यहाँ तक कि उनकी बेटी त्रिशाला को भी है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।